अवसरों के साथ साथ उनकी सुरक्षा और न्याय के लिए भी बीते चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार के कानून को हमने और कड़ा किया है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ाकर के 47 तक हमने उसका विस्तार कर दिया है। दलितों के अत्याचार से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सरकार ने पिछड़ी जातियों के सब कैटेगराइजेशन, इसके लिए एक कमीशन का गठन करने का निर्णय किया है। सरकार चाहती है कि ओबीसी समुदाय में जो अति पिछड़े हैं उन्हें सरकार और शिक्षण संस्थाओं में तय सीमा में रहते हुए आरक्षण का और अधिक फायदा प्राप्त हो, और इसलिए ओबीसी समुदाय में सब कैटेगरी बनाने के लिए हमने कमीशन का भी निर्माण किया। साथियों, सरकार तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक देना चाहती थी, और ओबीसी समाज की यह मांग पिछले 20-25 साल से चल रही थी, लेकिन यूपीए में बैठी हुई सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। हमने उसके लिए कानून लाया, पार्लियामेंट में ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार मिले, इसके लिए एक अहम कानून लाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये गवारा नहीं था, उनके सहयोगी दलों का गवारा नहीं था, और इसलिए वो रोड़ा बन करके खड़े हो गए और उस कानून को अभी तक लटकाए बैठे हैं। लेकिन मैं ओबीसी समाज को विश्वास दिलाता हूं, जो कदम उठाया है उसे मोदी पूरा करके रहने वाला है।